हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है शैतान। दोस्तों, अगर आप शैतान मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब रिलीज हुई, कब या रिलीज होने जा रही है, इस मूवी पर कितनी लागत है, इसकी स्टोरी कैसी है, इसके सॉन्ग कैसे हैं, किसने लिखे ये स्टोरी, तो ए टू जेड ऐसी मालूमात मिलने वाली है जो कि शायद कोई और ना आपको बता पाए। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप 10 मिनट की भी हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान, शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजॉय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की है और इसे अनुराग कश्यप, सुनील बोहरा, गणित की तरफ से मुश्तरका तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू ठंड, यलवाल का लक्की, कोचलन, गुलशन, दियोया, शु पंडित, नील हो, पलम, कीर्ति पहाड़ी, रजीत कपूर, भुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रवाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म पांच दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे, एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजॉय नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट अशोक अमरतराज के लिए बनाया था, जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है, तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी की वजह से निम्बार ने बम्बई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत अख्तियार की, जिन्होंने इस कहानी में मलसत के बारे में सुना जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970 और 1976 जोशी अभ्यानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी थी। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदीन और सामीन की मस्बत रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी, तरतीब, कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलू की तारीफ की गई। मजीद बरा ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तिजारती कामयाबी थी। मजीद बरा फिल्म को कई अवार्ड तकरीबात में नामजदगियाँ मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसे एक कल्ट क्लासिक समझा जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया है। जिसका आप सबको भी सभी से इंतजार होता है वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलक्की को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुदकशी को की कोशिश और बलाखिर अदारा जाती होने से बहुत मुतासर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दियोया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केसी ने इस गैंग डैश शो पंडित जुबीन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया। वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मनशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया फिर
वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते और जीत जाते हैं। जशन के रश में वो स्कूटर पर सवार दो लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जय कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस इंस्पेक्टर मालू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता, जो केस को खत्म करने के लिए 25,00,000 रुपए का मुतालबा करता। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजित परमीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालिदैन से 20,00,000 रुपए निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया। तावान की काल मासूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर कुवन मल्होत्रा से मदद के लिए रजू करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार अरुंद महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर हैं। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुन शादीशुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मंसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद्द अमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहां एमी को देश के थैले में कोकीन का एक पैकेट मिलता है। तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है और वो जुबीन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जुबन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकीन के जेर असर एमी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एनकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू एनकर का पता लगाते हैं, जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू एनकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहां पर इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है, तहां कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैशबैक है, जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है, जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जानने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साख को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है,
जो मुमकिन मुफामत का इशारा देता है। फिल्म का अहसान एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है, जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों, इस मूवी में रजियो खंड येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे, कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालवनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, होलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति कहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, अजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदीप सरयो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिजा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आप इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर, स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा, इसके साथ बीजो, प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत, इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव कलकी पवान शिव गुलशान नील भूपाम कृति रुखसार रेत कपूर शीतल मिनोन राजकुमार राव, सेनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी, एडिट जिसने किया स्टीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद पिल्ली अमार मोहली अजीत मोहरत अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स और इंक कश्यबू फिल्म गीता वे फिल्म्स बोहरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वी कॉम 18 मोटियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्रीज इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों, ये है जी शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम की नकली की आपको पसंद है। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान, शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजोय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की है और इसे अनुराग कश्यप सुनील बोहरा गणित की तरफ से मुश्तरका तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नबियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू ठंड यलवाल का लक्की को चलन गुलशन दिया शू पंडित नील हो कलम कीर्ति कहाड़ी रजीत कपूर पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल। 2007 में अदनान पुत्रावाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गेट घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजोई नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट शकोक अमरतराज के लिए बनाया था जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है, तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी
की वजह से निंबार ने बंबई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत जताई, जिन्होंने इस कहानी में मलसत के बारे में सुना, जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970 और 1976 जोशी अभ्यानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी थी। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदीन और सामीन की मस्बत रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी, तरतीब, कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलू की तारीफ की गई। मजीद बरा ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तिजारती कामयाबी थी। मजीद बरा फिल्म को कई अवार्ड तकरीबात में नामजदगियाँ मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसे एक कल्ट क्लासिक समझा जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है, वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलक्की को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुदकशी को की कोशिश और बलाखिर अदारा जाती होने से बहुत मुतासर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दियोया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केसी ने इसे गैंग डैश शो पंडित जुबीन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया। वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मनशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया फिर वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते हैं और जीत जाते हैं। जश्न के रश में वो स्कूटर पर सवार 2 लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जय कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस एहलकार इंस्पेक्टर मालू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता है, जो केस को ख़त्म करने के लिए 2500,000 रुपए का मुतालबा करता है। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजित पर मीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालदैन से 2000,000 रुपए निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया। तावान की काल मौसूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर कुवन मल्होत्रा से मदद के लिए रजू करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार फरोंद महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर है। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुन शादी शुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मंसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद्देअमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहां एमी को देश के थैले में कोकीन का एक पैकेट मिलता है। तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है और वो जुबीन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जोबन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का
एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेरे असर मी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है। ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एंकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू अनकर का पता लगाते हैं जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू अनकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है। डैश तहां इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है। तहम कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैश बैक है जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जाने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साथ को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन मुफामत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में रजियो खंड येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालूनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, वल्पम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति कहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, रजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, कून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर देव सरयो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिजा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आप इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव, कलिकी, पवान, शिव, गुलशान, नील, भूपाम, कृति, रुखसार, रेत कपूर, शीतल, मिनोन, राजकुमार राव।
सैनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी, एडिट जिसने किया स्पीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद पिल्ली अमार मोहली जीत भौरत अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स फोरिंक कश्यपू फिल्म्स गीता वे फिल्म्स बोरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम जो कि आपको पसंद आई। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान, शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजॉय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की है और इसे अनुराग कश्यप सुनील बोहरा गणित की तरफ से मुश्तरक तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू ठंड यलवाल का लक्की को चलन गुलशन दोया शू पंडित नील हो पलम कीर्ति कहाड़ी रजीत कपूर पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रवाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजॉय नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट अशोक अमरतराज के लिए बनाया था जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है, तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी की वजह से निम्बार ने बम्बई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने इस कहानी में मलसत के बारे में सुना जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970 और 1976 जोशी अभियानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी थी। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदीन और सामीन की मस्बत रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी तरतीब कहानी स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलू की तारीफ की गई। मजीद बरा ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तजारती कामयाबी थी। मजीद बरा फिल्म को कई अवार्ड तकरीबात में नामजदगियाँ मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसे एक कल्ट क्लासिक समझ जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया है। इसका आप सबको भी सभी से इंतजार होता है, वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलक्की को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुदकशी को की कोशिश और बलाखिर अतारा जाती होने से बहुत मुतासर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दिया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केसी ने इस गैंग डैश शो पंडित जुबीन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया
वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मनशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया फिर वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते हैं, वो जीत जाते हैं। जश्न के रश में वो स्कूटर पर सवार दो लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जय कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस एहकाम इंस्पेक्टर मौलू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता है, जो केस को ख़त्म करने के लिए 2500,000 रुपए का मुतालबा करता है। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजत पर मीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालिदैन से 20,00,000 रुपए निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया। तावान की काल मौसूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर भुवन मल्होत्रा से मदद के लिए रजू करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार अरुंद महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर है। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुन शादी शुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मंसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद्द अमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहाँ एमी को देश के थैले में कोकीन का एक पैकेट मिलता है। तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है और वो जुबीन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जुबीन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेर असर एमी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एनकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू एनकर का पता लगाते हैं जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू एनकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फ़ोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहां पर इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है, तहां कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैशबैक है, जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जानने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है।
कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साथ को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मास्टर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन ना मुफाहमत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है, जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों, इस मूवी में रजियो खंड येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे, कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालवनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, होलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति कहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, रजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदेव सरियो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिजा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव कलिकी पवान शिव गुलशान नील भूपाम कृति रुखसार रेत कपूर शीतल मिनोन राजकुमार राव। सैनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी। एडिट जिसने किया स्टीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद पिल्ली अमार मोहली अजीत बहुरत अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स ओरिंक कश्यगु फिल्म्स गीता वे फिल्म्स बोहरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोडियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों, ये है ये शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम की नकली की आपको पसंद है। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजोय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की और इसे अनुराग कश्यप सुनील बोहरा गणित की तरफ से मुश्तरक तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नमियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू खंड यलवाल का लक्की को चलन गुलशन दिया शू पंडित नील हो कलम कीर्ति कहाड़ी रजीत कपूर पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रावाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजोई नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट शकोक अमरतराज के लिए बनाया था जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है
تاہم پروڈکشن کمپنی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نمبار نے بمبئی میں ہونے والی فلم کے ساتھ سکرپٹ اور ترتیب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی کے باہر نکلنے کی وجہ سے پیش رفت میں تاخیر ہوئی اور انوراگ کشیپ نے 2010 کے وسط میں اس پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کی، جنہوں نے اس کہانی میں ملاست کے بارے میں سنا جو اس کی غیر ریلیز شدہ ہدایت کاری کی پہلی فلم پینچ جو کہ 1977 اور 1976 جوشی امبیانکر کے سریل کے قتل پر مبنی تھی۔ فلم کی مکمل شوٹنگ 12 دن کے اندر بمبئی میں کی گئی۔ شیطان 10 جون 2011 کو بمبئی میں 575 سکرینر پر ریلیز ہوا۔ فلم کو ناقدین اور سامعین کی مثبت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ہدایت کاری، ترتیب، کہانی، سکرین پلے، پرفارمنس اور فلم کی تکنیکی پہلو کی تعریف کی گئی۔ مزید برآں، یہ 110 ملین کے بجٹ کے مقابلے میں 390 ملین کمانے والی تجارتی کامیابی تھی۔ مزید برآں، فلم کو کئی ایوارڈ تقریبات میں نامزد کیا ملی، جس میں شیطان نے 5 سکرین ایوارڈ اور 1 فلم فیئر ایوارڈ جیتا تھا۔ اسے ایک کلٹ کلاسک سمجھا جاتا ہے اور فلمی ناقدین نے اسے بالی ووڈ کی نئی لہر کی تعریف کرنے والی فلموں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس مووی کی سٹوری۔ اب میں آپ کو کہانی کی طرف ٹائم ویسٹ کیے لے کر چلتا ہوں کہ اس مووی کی کہانی کیا ہے۔ شیطان کا آغاز ایمی کلگی کو چلن سے ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر پریشان اور اپنی والدہ سہرا کی خود کشی کو کی کوشش اور بالآخر ادارہ جاتی ہونے سے بہت متاثر ہے۔ وہ لاس انجلس سے بمبئی چلی جاتی گلشن دیویا سے ایک پارٹی میں ہوتی ہے، جب اس کے والدین اسے زبردستی لے جاتے ہیں۔ کیسی نے اسے اینگ ڈیش شو پنڈت زبین نیل کیسی ہے، جہاں اس کی ملاقات بھولپم اور تانبا کریتی کلہاری سے ملوایا۔ وہ بے سمت زندگی گزارتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ہمر میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ پھر وہ بے ترتیب کار کی دوڑ شروع کر دیتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ جشن کے رش میں وہ سکوٹر پر سوار دو لوگوں پر چڑھ دوڑے، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جلد سے جے وقوع سے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک پتلے پولیس اہلکار انسپکٹر مولو انکر راج کمار راؤ کے ذریعے آسانی سے ان کا سراغ لگایا جاتا ہے، جو کیس کو ختم کرنے کے لیے 2500,000 روپے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ڈیش انہیں اپنے ایک دوست رجت پر میچا کے بارے میں بتاتا ہے، جس نے اپنے ہی بھائی کے اغوا کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنے ہی والدین سے 20,00,000 روپے نکالے۔ ایمی رضاکاروں کے اغوا کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ تاوان کی کال موصول ہونے پر ایمی کے والد ان کی توقعات کے برعکس فوری طور پر پولیس کمشنر پون ملہوترا سے مدد کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ پولیس کمشنر نے غیر سرکاری طور پر اس کیس کو حل کرنے کے لیے ایک سیدھے پولیس اہلکار پرونت مہتر رجو کنڈی یلوال کو تعویض کیا، کیونکہ وہ ایک کارپوریٹر کو ایک خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر مار پیٹ کرنے کے الزام میں اپنے ہی گھر کی پہلی منزل سے پھینکنے کے بعد موت لے پر ہیں۔ انسپکٹر ماتر کو ایک پریشان کن شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے دکھایا گیا اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے قریب۔ اس کے بعد نوجوان کا گروپ دیش کو تیار کردہ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایک سایہ دار ہوٹل پر چھپ جاتا ہے۔ جب تانبا کو کسی آدمی نے تقریباً زیادتی کا نشانہ بنایا تو وہ پر تشدد رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں۔ وہ لاج سے فرار ہو کر ایک سینما ہال میں چھپ جاتے ہیں، جہاں ایمی کو دیش کے تھیلے میں کوکین کا ایک پیکٹ ملتا ہے۔ تانبا ان کی حالیہ حرکتوں سے بہت پریشان ہے اور وہ زبین کو اپنے گھر لے جانے پر راضی کرتی ہے۔ جب زوبن ٹیکسی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تانبا کا
एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेरे असर मी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है। ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एंकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू अनकर का पता लगाते हैं जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू अनकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फ़ोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहां पर इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है। तहम कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैश बैक है जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जाने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साथ को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन मुफामत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में रजियो खंड गेलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालूनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, होलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति पहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, रजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदेव सरयू, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परविचा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव, कल्की, पवान, शिव, गुलशान, नील, भूपाम, कृति, रुखसार, रेत कपूर, शीतल, मिनोन,
राजकुमार राव, सैनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी, एडिट जिसने किया स्टीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद पिल्ली, अमार मोहली, रजीत बहुरत, अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स, फोरिंग कश्यगु फिल्म्स, गीता वे फिल्म्स, बोहरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्रीज इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लागत है 1.10 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है ये शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम जो फिल्म पूरी की आपको पसंद आई। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान, शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजॉय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की और इसे अनुराग कश्यप, सुनील बोहरा, गणित की तरफ से मुश्तरका तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू ठंड, यलवाल का लक्की, कोचलन, गुलशन, दोया, शू पंडित, नील हो, पलम, कीर्ति कहाड़ी, रजीत कपूर, पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल। 2007 में अदनान पुत्रवाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गेट घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजॉय नबियार ने एपसाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट अशोक अमरदराज के लिए बनाया था जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है, तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी की वजह से निम्बार ने बम्बई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने इस कहानी में मलसत के बारे में सुना जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970 और 1976 जोशी अभियानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी थी। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदीन और सामीन की मस्बत रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी, तरतीब, कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलू की तारीफ की गई। मजीद बरह ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तिजारती कामयाबी थी। मजीद बरह फिल्म को कई अवार्ड तकरीबात में नामजदगियाँ मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसे एक कल्ट क्लासिक समझा जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया है। इसका आप सबको भी सब्री से इंतजार होता है, वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलक्की को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुदकशी को की कोशिश और बलाखिर अदारा जाती होने से बहुत मुतासर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दिया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केसी ने इसे गैंग डैश शो पंडित जुबीन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया
वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मनशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया फिर वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते हैं, वो जीत जाते हैं। जश्न के रश में वो स्कूटर पर सवार दो लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जय कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस एहकाम इंस्पेक्टर मौलू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता है, जो केस को ख़त्म करने के लिए 2500,000 रुपए का मुतालबा करता है। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजित परमीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालिदैन से 20,00,000 रुपए निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया। तावान की काल मौसूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर भुवन मल्होत्रा से मदद के लिए रजू करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार वरुण महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज़ किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर हैं। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुन शादी शुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मंसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद्द अमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहां एमी को देश के थैले में कुकीन का एक पैकेट मिलता है। तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है और वो जुबीन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जुबन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेरे असर एमी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है। इस सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एंकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू एंकर का पता लगाते हैं, जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू एंकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहां पर इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है, तहां कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैशबैक है, जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है, जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जाने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है।
डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साख को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन मुफामत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है, जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों, इस मूवी में रजियो खंड येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालूनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, भोलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति कहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, रजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदेव सरयू, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिचा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव कलिकी पवान शिव गुलशान नील भूपाम कृति रुखसार रेत कपूर शीतल मिनोन राजकुमार राव। सेनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी। एडिट जिसने किया स्पीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद बिल्ली अमार मोहली रजीत बहुरत अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स और इंक कश्यगु फिल्म गीता वे फिल्म्स बोहरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्रीज इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों, ये है ये शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम मतलब फिल्म पूरी की ना पसंद करो। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजोय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की है और इसे अनुराग कश्यप सुनील बोहरा गणित की तरफ से मुश्तरक तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू खंड यलवाल का लक्की को चलन गुलशन दिया शू पंडित नील हो पलम कीर्ति कहाड़ी रजीत कपूर पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रा वाला के कत्ल के वाके पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजोई नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक्य का स्क्रिप्ट शकोक अमरतराज के लिए बनाया था जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है
تاہم پروڈکشن کمپنی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نمبار نے بمبئی میں ہونے والی فلم کے ساتھ سکرپٹ اور ترتیب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی کے باہر نکلنے کے وجہ سے پیش رفت میں تاخیر ہوئی اور انوراگ کشیپ نے 2010 کے وسط میں اس پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کی، جنہوں نے اس کہانی میں ملاست کے بارے میں سنا جو اس کی غیر ریلیز شدہ ہدایت کاری کی پہلی فلم پینچ جو کہ 1977 اور 1976 جوشی امبیانکر کے سریل کے قتل پر مبنی تھی۔ فلم کی مکمل شوٹنگ 12 دن کے اندر بمبئی میں کی گئی۔ شیطان 10 جون 2011 کو بمبئی میں 575 سکرینر پر ریلیز ہوا۔ فلم کو ناقد تھی اور سامعین کی مثبت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ہدایت کاری، ترتیب، کہانی، سکرین پلے، پرفارمنس اور فلم کی تکنیکی پہلو کی تعریف کی گئی۔ مزید برآں، یہ 110 ملین کے بجٹ کے مقابلے میں 390 ملین کمانے والی تجارتی کامیابی تھی۔ مزید برآں، فلم کو کئی ایوارڈ تقریبات میں نامزدگیاں ملی، جس میں شیطان نے 5 سکرین ایوارڈ اور 1 فلم فیئر ایوارڈ جیتا تھا۔ اسے ایک کلٹ کلاسک سمجھا جاتا ہے اور فلمی ناقدین نے اسے بالی ووڈ کی نئی لہر کی تعریف کرنے والی فلموں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا۔ اس کا آپ سب کو بھی صبر سے انتظار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس مووی کی سٹوری۔ اب میں آپ کو کہانی کی طرف ٹائم ویسٹ کیے لے کے چلتا ہوں کہ اس مووی کی کہانی کیا ہے۔ شیطان کا آغاز ایمی کلکی کو چلن سے ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر پریشان اور اپنی والدہ سہرا کی خود کشی کو کی کوشش اور بالآخر ادارہ جاتی ہونے سے بہت متاثر ہے۔ وہ لاس انجلس سے بمبئی چلی جاتی گلشن دیویا سے ایک پارٹی میں ہوتی ہے، جب اس کے والدین اسے زبردستی لے جاتے ہیں۔ کیسی نے اسے گینگ ڈیش شو پنڈت زبین نیل کیسی ہے، جہاں اس کی ملاقات گولپم اور تانبا کریتی کلہاری سے ملوایا۔ وہ بے سمت زندگی گزارتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ہمر میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ پھر وہ بے ترتیب کار کی دوڑ شروع کر دیتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ جشن کے رش میں وہ سکوٹر پر سوار دو لوگوں پر چڑھ دوڑے، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جلد سے جے کنویں سے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک پتلے پولیس اہلکار انسپکٹر مولو انکر راج کمار راؤ کے ذریعے آسانی سے ان کا سراغ لگایا جاتا ہے، جو کیس کو ختم کرنے کے لیے 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ڈیش انہیں اپنے ایک دوست رجت پر میچا کے بارے میں بتاتا ہے، جس نے اپنے ہی بھائی کے اغوا کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنے ہی والدین سے 20 لاکھ روپے نکالے۔ ایمی رضاکاروں کے اغوا کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ تاوان کی کال موصول ہونے پر ایمی کے والد ان کی توقعات کے برعکس فوری طور پر پولیس کمشنرس پون ملہوترا سے مدد کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ پولیس کمشنرس نے غیر سرکاری طور پر اس کیس کو حل کرنے کے لیے ایک سیدھے پولیس اہلکار ورند مہتر رجو کنڈی یلوال کو تعویض کیا، کیونکہ وہ ایک کارپوریٹر کو ایک خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر مار پیٹ کرنے کے الزام میں اپنے ہی گھر کی پہلی منزل سے پھینکنے کے بعد موت لے پر ہیں۔ انسپکٹر ماتر کو ایک پریشان کن شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے دکھایا گیا اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے قریب ہے۔ اس کے بعد نوجوان کا گروپ دیش کو تیار کردہ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایک سایہ دار ہوٹل پر چھپ جاتا ہے۔ جب تانبا کو کسی آدمی نے تقریباً زیادتی کا نشانہ بنایا تو وہ پر تشدد رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں۔ وہ لاج سے فرار ہو کر ایک سینما ہال میں چھپ جاتے ہیں، جہاں ایمی کو دیش کے تھیلے میں کوکین کا ایک پیکٹ ملتا ہے۔ تانبا ان کی حالیہ حرکتوں سے بہت پریشان ہے اور وہ زبین کو اپنے گھر لے جانے پر راضی کرتی ہے۔ جب زوبن ٹیکسی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تانبا کا
एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेरे असर मी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है। ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एंकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू अनकर का पता लगाते हैं जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू अनकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फ़ोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहबेस का सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है। तहम कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैश बैक है जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जानने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साख को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन मुफामत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में रेजियो हंट येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालूनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, भोलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति पहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, अजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदेव सरियो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परविजा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव, कल्की, पवान, शिव, गुलशान, नील, भूपाम, कृति, रुखसार, रेत कपूर, शीतल, विनोद, राजकुमार राव।
सैनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी, एडिट जिसने किया स्टीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद पिल्ली, अमार मोहली, रजीत महूर्त, अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स, ओरिंक कश्यगु फिल्म, गीता वे फिल्म्स, बोहरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्रीज इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम जो कि आपको पसंद आई। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान, शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजॉय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की है और इसे अनुराग कश्यप, सुनील बोहरा, गणित की तरफ से मुश्तरक तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू खंड, यलवाल का लक्की, कोचलन, गुलशन, दोया, शू पंडित, नील हो, पलम, कीर्ति कहाड़ी, रजीत कपूर, पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रवाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजॉय नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट अशोक अमरतराज के लिए बनाया था जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है, तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी की वजह से निम्बार ने बम्बई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने इस कहानी में मसद के बारे में सुना जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970-1976 जोशी अभियानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी है। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदी और सामी की मस्बत रद्दमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी, तरतीब, कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलुओं की तारीफ की गई। मजीद बरा ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तिजारती कामयाबी थी। मजीद बरा फिल्म को कई एवार्ड तकरीबात में नामजदगियां मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसे एक क्लिट क्लासिक समझा जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया है। इसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है, वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेकर चलता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलक्की को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुदकशी को की कोशिश और बलाखिर अदारा जाती होने से बहुत मुतासिर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दिया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केसी ने इसे एक डैश शो पंडित जुबीन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया
वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मनशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया फिर वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते हैं, वो जीत जाते हैं। जशन के रश में वो स्कूटर पर सवार दो लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जैव कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस एहकाम इंस्पेक्टर मौलू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता है, जो केस को ख़त्म करने के लिए 25 लाख रुपए का मुतालबा करता है। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजित परमीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालिदैन से 20 लाख रुपए निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया। तावान की काल मासूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर उवन मल्होत्रा से मदद के लिए रजू करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार अरुंद महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज़ किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर है। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुल शादी शुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मंसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद अमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहां एमी को देश के थैले में कुकीन का एक पैकेट मिलता है। तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है और वो जुबीन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जोबन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेरे असर एमी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एनकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू एनकर का पता लगाते हैं, जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू एनकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहां इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है, तहां कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैश बैक है, जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है, जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जानने के बावजूद तीन जिंदा
बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है। डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साथ को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मदर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन ना मुफाहमत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है, जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में रजियो खंड यलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालवनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, भोलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति पहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, रजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन सिले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदेव सरियो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिजा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव कलिकी पवान शिव गुलशान नील भूपाम कृति रुखसार रेत कपूर शीतल मिनोन राजकुमार राव। सेनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी। एडिट जिसने किया स्पीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद पिल्ली अमार मोहली रजीत बहुरत अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स, ओरिंक कश्यपु फिल्म, गीता वे फिल्म्स, बोरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्रीज इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लगा थे 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसे बॉक्स ऑफिस 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी शैतान मूवी की मुकम्मल मालूमात। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजोय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की है और इसे अनुराग कश्यप सुनील बोहरा गणित की तरफ से मुश्तरक तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू खंड यलवाल का लक्की कोचलन गुलशन दिया शु पंडित नील हो पलम कीर्ति कहाड़ी रजीत कपूर पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रवाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजोय नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट अशोक अमरतराज के लिए बनाया था
जो हाइड पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है। तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी की वजह से निम्बार ने बम्बई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत अख्तियार की, जिन्होंने इस कहानी में मलसत के बारे में सुना, जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970 और 1976 जोशी अभियानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी थी। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदीन और सामीन की मस्बत रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी, तरतीब, कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलू की तारीफ की गई। मजीद बरहम, ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तिजारती कामयाबी थी। मजीद बरहम, फिल्म को कई अवार्ड तकरीबात में नामजदगियाँ मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसे एक कल्ट क्लासिक समझा जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया, जिसका आप सबको भी सभी से इंतजार होता है। वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेना चाहता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलकी को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुदकशी को की कोशिश और बलाखिर अदारा जाती होने से बहुत मुतासर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दियोया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। एसी ने इसे गेंग डैश शो पंडित जुबीन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया। वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मनशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया, फिर वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते हैं और जीत जाते हैं। जश्न के रश में वो स्कूटर पर सवार दो लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जैव कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस एहकाफ इंस्पेक्टर मालू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता है, जो केस को ख़त्म करने के लिए 2500,000 रुपए का मुतालबा करता है। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजत परमीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालदैन से 20,00,000 रुपए निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया। तावान की काल मौसूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर भुवन मल्होत्रा से मदद के लिए रजू करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार वरुण महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज़ किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर हैं। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुन शादीशुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब है। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मनसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद्दअमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहां एमी को देश के थैले में कुकीन का एक पैकेट मिलता है। तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है
और वो जुबिन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जुबिन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेर असर एमी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। जुबिन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है। ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एंकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबिन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू एंकर का पता लगाते हैं जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू एंकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फ़ोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है। डैश तहां पुलिस का सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है। तहां कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैश बैक है जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जानने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साख को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन मुफामत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में रेजियो एंड येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालूनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश, नील भोलपम बतौर जुबिन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति कहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, अजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदेव सरियो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिचा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव कलिकी पवान शिव गुलशान
नील भूपाम कृति रुखसार रेत कपूर शीतल मिनोन राजकुमार राव। सैनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी। एडिट जिसने किया स्पीकर प्रसाद। म्यूजिक प्रसाद पिल्ली अमार मोहली जीत बहुरत अनुपम रॉय। प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स ओरिंक कश्यगु फिल्म्स गीता वे फिल्म्स बोहरा ब्रोस। डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स। रिलीज डेट 10 जून 2011। रनिंग टाइम 121 मिनट। कंट्री इज इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम यकीन आपको पसंद आएगा। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजॉय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की है और इसे अनुराग कश्यप सुनील बोहरा गणित की तरफ से मुश्तरक तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू ठंड यलवाल का लक्की को चलन गुलशन दोया शू पंडित नील हो पलम कीर्ति कहाड़ी रजीत कपूर पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रावाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजॉय नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक्य का स्क्रिप्ट अशोक अमरतराज के लिए बनाया था जो हाइट पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है। तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी की वजह से निम्बार ने बम्बई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने इस कहानी में मरसत के बारे में सुना जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970-1976 जोशी अभियानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी थी। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदीन और सामीन की मस्बत रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी तरतीब कहानी स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलुओं की तारीफ की। मजीद बरा ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तजारती कामयाबी थी। मजीद बरा फिल्म को कई अवार्ड तकरीबात में नामजदगियाँ मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसे एक कल्ट क्लासिक समझा जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया है, जिसका आप सबको भी सभी से इंतजार होता है। वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेकर चलता हूँ। इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलक्की को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुद कशी को की कोशिश और बलाखिर अतारा जाती होने से बहुत मुतासिर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दिया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केसी ने इसे एंग डैश शो पंडित
जुबिन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया। वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मदशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया, फिर वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते हैं, वो जीत जाते हैं। जश्न के रश में वो स्कूटर पर सवार दो लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जैव कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस एहकाम इंस्पेक्टर मालू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता है, जो केस को ख़त्म करने के लिए 2500,000 रुपए का मुतालबा करता है। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजित परमीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालदैन से 20,00,000 रुपए निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मनसूबा बनाया। तावान की काल मौसूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर कुवन मल्होत्रा से मदद के लिए रजू करते। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार वरुण महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज़ किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर हैं। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुन शादीशुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मनसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद अमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहां एमी को देश के थैले में कुकीन का एक पैकेट मिलता है। तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है और वो जुबिन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जुबिन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के जेर असर एमी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। जुबिन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है। ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहाँ छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एंकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबिन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू एंकर का पता लगाते हैं, जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू एंकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फ़ोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहां इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है, तहां कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैशबैक है, जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है, जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है।
इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जानने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साख को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन ना मुफाहमत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है, जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों, इस मूवी में रजियो खंड येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालवनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश, नील भोलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति कहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, अजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सिद्धेव सरियो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिजा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीगा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाय अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव कलिकी पवान शिव गुलशान नील भूपाम कृति रुखसार रेत कपूर शीतल मिनोन राजकुमार राव। सैनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी। एडिट जिसने किया स्पीकर प्रसाद, म्यूजिक प्रसाद बिल्ली अमार मोहली अजीत बहुरत अनुपम रॉय, प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स और इंक कश्यगु फिल्म्स, गीता वे फिल्म्स बोरा ब्रोस, डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स, रिलीज डेट 10 जून 2011, रनिंग टाइम 121 मिनट, कंट्रीज इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों, ये है ये शैतान मूवी की मुकम्मल मालूम शैतान 2011 की हिंदुस्तानी जबान। शैतान 2011 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की क्राइम थ्रिलर फिल्म है और अब 2024 में भी अजय देवगन बना रहा है, जिसकी हिदायतकारी बिजोय नमीरा ने अपनी पहली फीचर फिल्म में की और इसे अनुराग कश्यप सुनील बोहरा गणित की तरफ से मुश्तरक तौर पर तैयार और तकसीम किया गया था। नबियारार और मेगा मुनगा और नमियार ने खुद पैनल के तहत प्रोड्यूस किया है। रामस्वामी ने लिखा था फिल्म में रजू ठंड यलवाल का लक्की को चलन गुलशन दिया शू पंडित नील हो पलम कीर्ति कहाड़ी रजीत कपूर पुवन मल्होत्रा और राजकुमार राव शामिल हैं। 2007 में अदनान पुत्रावाला के कत्ल के वाक़े पर मबनी ये फिल्म 5 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो मुहिम जोई की जिंदगी गुजारना चाहते थे एक जुर्म में फंस जाते हैं। बिजोय नबियार ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का स्क्रिप्ट अशोक अमरदराज के लिए बनाया था।
जो हाइड पार्क एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म तैयार करना चाहते थे। फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी जबान में की जानी थी। इस कहानी का मरकजी मकाम लॉस एंजलिस है। तहम प्रोडक्शन कंपनी की नापसंदीदगी की वजह से निम्बार ने बम्बई में होने वाली फिल्म के साथ स्क्रिप्ट और तरतीब को तब्दील करने का फैसला किया। कंपनी के बाहर निकलने के वजह से पेशरफ्त में ताखीर हुई और अनुराग कश्यप ने 2010 के वस्त में इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने इस कहानी में मलसत के बारे में सुना, जो इसकी गैर रिलीज शुदा हिदायतकारी की पहली फिल्म पिंच जो के 1970 और 1976 जोशी अभ्यानकर के शरीर के कत्ल पर मबनी थी। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग 12 दिन के अंदर बम्बई में की गई। शैतान 10 जून 2011 को बम्बई में 575 स्क्रीनर पर रिलीज हुआ। फिल्म को नाकदीन और सामीन की मस्बत रद्दअमल का सामना करना पड़ा, जिसमें हिदायतकारी, तरतीब, कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस और फिल्म की तकनीकी पहलू की तारीफ की गई। मजीद बरा ये 110 मिलियन के बजट के मुकाबले में 390 मिलियन कमाने वाली तिजारती कामयाबी थी। मजीद बरहम फिल्म को कई एवार्ड तकरीबात में नामजदगियाँ मिली, जिसमें शैतान ने 5 स्क्रीन एवार्ड और 1 फिल्म फेयर एवार्ड जीता था। इसे एक कल्ट क्लासिक समझा जाता है और फिल्मी नाकदीन ने इसे बॉलीवुड की नई लहर की तारीफ करने वाली फिल्मों में से एक के तौर पर बयान किया। इसका आप सबको भी सभी से इंतजार होता है, वो होता है इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको कहानी की तरफ टाइम वेस्ट किए लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है। शैतान का आगाज एमी कलकी को चलन से होता है, जो जहनी तौर पर परेशान और अपनी वालदा सहरा की खुद कशी को की कोशिश और बलाखिर अतारा जाती होने से बहुत मुतासर है। वो लॉस एंजलिस से बम्बई चली जाती गुलशन दियोया से एक पार्टी में होती है, जब इसके वालदैन इसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केसी ने इसे गैंग डैश शो पंडित जुबीन नील केसी है, जहां इसकी मुलाकात भोलपम और तांबा कृति कुल्हारी से मिलवाया। वो बेसिमत जिंदगी गुजारते हैं, तफरी करते हैं, शराब पीते हैं, मनशात का इस्तेमाल करते हैं, हमर में घूमते फिरते हैं। ऐसे ही एक वाकया फिर वो बेतरतीब कार की दौड़ शुरू कर देते हैं और जीत जाते हैं। जश्न के रश में वो स्कूटर पर सवार 2 लोगों पर चढ़ दौड़े, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वो जल्द से जय कुआ से निकल जाते हैं, लेकिन एक पतले पुलिस इंस्पेक्टर मौलू अनकर राजकुमार राव के जरिए आसानी से इनका सुराग लगाया जाता है, जो केस को ख़त्म करने के लिए 2500,000 रुपए का मुतालबा करता है। डैश इन्हें अपने एक दोस्त रजित परमीचा के बारे में बताता है, जिसने अपने ही भाई के अगवा का झूठा दावा किया और अपने ही वालदैन से 20,00,000 रुपये निकाले। एमी रजाकारों के अगवा का शिकार होने के बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया। तावान की काल मौसूल होने पर एमी के वालिद इनकी तवक्कात के बरक्स फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर कुवन मल्होत्रा से मदद के लिए रुजू करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने गैर सरकारी तौर पर इस केस को हल करने के लिए एक सीधे पुलिस एहलकार तुरंत महतर रजू कुंडी यलवाल को तवीज़ किया, क्योंकि वो एक कारपोरेटर को एक खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्जाम में अपने ही घर की पहली मंजिल से फेंकने के बाद मौतली पर है। इंस्पेक्टर मातिर को एक परेशान कुन शादी शुदा जिंदगी गुजारते हुए दिखाया गया और वो अपनी बीवी को तलाक देने के करीब। इसके बाद नौजवान का ग्रुप देश को तैयार करदा मंसूबे पर अमल करते हुए एक सायादार होटल पर छुप जाता है। जब तांबा को किसी आदमी ने तकरीबन ज्यादती का निशाना बनाया तो वो पर तशद्दुद रद्दअमल का इजहार करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो लाज से फरार होकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं, जहां एमी को देश के थैले में उनकीन का एक पैकेट मिलता है।
तांबा इनकी हालिया हरकतों से बहुत परेशान है और वो जुबीन को अपने घर ले जाने पर राजी करती है। जब जुबन टैक्सी तलाश करने के लिए निकलता है, तांबा का एमी के साथ झगड़ा हो जाता है। कोकेन के ज़ेर असर मी का यकीन है कि तांबा ने तांबा का सर दीवार से टकरा दिया और इसे खून बह रहा है और वो बेहोश कर दिया। जुबीन केसी जो फोन कॉल अपनी बहन को कर रही थी वो दरअसल पुलिस की थी। इसके बाद होने वाले जिस्मानी तसादों में वापसी पर एक भयानक मंजर देखता है और तांबा को मर गया है ये सोचकर भाग जाता है। बाद में इसे पुलिस ने शोर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डैश एमी और केसी को बम्बई के मजाफात में एक चर्च में ले जाता है और इन्हें वहां छीने की हिदायत करता है। जब वो मालू एंकर के साथ चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है, इस दौरान गिरफ्तार होने वाला जुबीन पुलिस का सारा मंजरनामा बताता है। वो मालू अनकर का पता लगाते हैं जो अपनी बीवी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। आने वाले पीछा में मालू अनकर एक ट्रक की अपनी माजूर बहन को मीडिया के हाथों सदमे का शिकार होते देखता है। इसके बाद वो अपने वालिद को फ़ोन करता है और इसकी मदद केसी टक्कर में तकरीबन मारा जाता है। खाना खरीदते हुए गुस्से में आकर बाकी दो को सब कुछ बताता है और एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने के लिए राजी केसी मांगता है। इस कार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तीनों को चर्च तक ट्रेस करती है। चर्च वापस आने पर करने की कोशिश करता है, डैश तहां पर इसका सामना करता है और दोनों एक खूनी तसादों में पड़ जाते हैं। इसका इख्तिताम डैश के केसी को मारने के साथ होता है। डैश फिर एमी को अपने साथ चर्च छोड़ने की कोशिश करता है। तहम कोकीन से चलने वाली एमी को एक तकलीफ ज़दा फ्लैश बैक है जिसमें इसकी माँ इसे बचपन में डूबने की कोशिश कर रही है। इस जनून में वो डैश पर वार करती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर माथा ने इसे ढूंढ लिया। पुलिस हकीकत जानने के बावजूद तीन जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को एक बयान पर दस्तखत करने के लिए कहती है कि डैश ने चारों को अगवा किया था। इंतहाई बदनाम पुलिस फोर्स के साहब को बचाने के लिए का किया जाता है। इसके बाद मातर अपनी बीवी से मिलता है जो मुमकिन मुफाहमत का इशारा देता है। फिल्म का अख्ताम एमी के कॉन्वेंट में इस्तीफा दिए जाने के साथ होता है जिसका इन्हें हमेशा खौफ रहता था। हालांकि अपनी मां के नाम सैरा के साथ इसका एंड हो जाता है। यह थी इस मूवी की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में रजियो खंड येलवाल बतौर इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। कलिक्की कोचलन बतौर अमृता जे शंकर उर्फ एमी, राजकुमार राव बतौर इंस्पेक्टर मालूनकर, शो पंडित बतौर दशनित साहू उर्फ डैश नील, भोलपम बतौर जोबन शराफ, गुलशन दिया बतौर करण चौधरी उर्फ केसी, कृति कहाड़ी बतौर तानिया शर्मा, अजीत कपूर बतौर आंध जे शंकर, शवानी डन किसले बतौर एमी की माँ, पून मल्होत्रा पुलिस कमिश्नर के तौर पर, निखिल चंपा बतौर इंस्पेक्टर सदीप सरियो, रुखसार रहमान बतौर रोबीना, शीतल मेनन बतौर नंदिनी, रचित परमिजा बतौर शोमो, इमरान रशीद बतौर रहमत के रोल में आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है बीजो नंबीर। स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है बीघा। इसके साथ बीजो प्रोड्यूस्ड बाई अनुरोग सुनील बुहाड़ा गुनीत। इसमें मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे उनका नाम है राजीव कलिकी,
पवन, शिव, गुलशान, नील, भूपाम, कृति, रुखसार, रेत कपूर, शीतल, मिनोन, राजकुमार राव। सैनोग्राफी जिसने की उनका नाम है आर मेहदी। एडिट जिसने किया स्टीकर प्रसाद। म्यूजिक प्रसाद बिल्ली, अमार मोहली, अजीत भारत, अनुपम रॉय। प्रोडक्शन कंपनी टिपिंग पॉइंट फिल्म्स, पोरिंक कश्यपु फिल्म, गीता वे फिल्म्स, बोरा ब्रोस। डिस्ट्रीब्यूट वीकॉम 18 मोटियन पिक्चर्स। रिलीज डेट 10 जून 2011। रनिंग टाइम 121 मिनट। कंट्रीज इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट इस फिल्म पर जो लागत है 110 बिलियन का इसके ऊपर लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 397.6 बिलियन का बेहतरीन बिजनेस किया। दोस्तों ये है जी शैतान मूवी की मुकम्मल मालूमत। आपको पसंद आएगी।